इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। फिर तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, दो टाइप के ऑपरेटर। एक बाइनरी, इट परफॉर्म ऑन डबल ऑपरेंड, ठीक है, ये दो वैल्यू पर परफॉर्म हो रहे थे। तो अभी जो हमने आर्थमेटिक ऑपरेटर देखे तो वो दो वैल्यू पर परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस बताने जा रहा हूँ या डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये ना सिंगल वैल्यू मीन्स क्या, सिंगल डेटा वैल्यू या सिंगल ऑपरेट ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यू या सिंगल ऑपरेट पर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यदि हम यूनरी ऑपरेटर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर है जो मैंने आपको बताया सिंगल वैल्यू पर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर आपके कौन कौन से, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये यूनरी प्लस ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, जब हमको कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू सपोज यदि पॉजिटिव डिक्लेयर करना हो तो यूनरी प्लस वैल्यू का यूज करते हैं। बट क्या है, देखो, चाहे मैथ्स की टर्म हो और चाहे प्रोग्रामिंग की टर्म हो, यदि हमने लिया एंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, सेमी कॉलन, यदि मैंने यहाँ कोई सिंबल नहीं लगाया प्लस के आगे, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया, तो हम चाहे मैथ्स हो और चाहे प्रोग्रामिंग हो उसमें प्लस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, प्लस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये बताता है यदि हमने ऐसे लगा दिया इक्वल टू 5, तो ये बताता है ये कि प्लस का 5 है। हम नहीं भी लगाए ना तो बाई डिफॉल्ट प्लस का 5 रहता है, ठीक है। और फिर आपका रहता है यूनरी माइनस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हम इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, जैसे हमने लिया इंट ए एक मिनट इक्वल टू प्लस 5, ठीक है। तो ये जो प्लस हमने अप्लाई किया है तो ये ना ये 5 है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किया है, तो इसलिए ये किस पर अप्लाई हुआ है, सिंगल वैल्यू पर, इसलिए हम बोलते हैं यूनरी प्लस, ठीक है। फिर आपका होता है यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है। तो जब हमको कोई भी नेगेटिव इंटीजर डिक्लेयर करना हो, इंटीजर ए इक्वल टू माइनस का, जैसे माइनस का 50 लेना है हमको, तो हम ना ये माइनस ऑपरेटर लगाते हैं, यूनरी माइनस ऑपरेटर, ये यूनरी माइनस ऑपरेटर। इसको यूनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किस पर अप्लाई हो रहा है, सिंगल वैल्यू 50 पर अप्लाई हो रहा है, एक ही वैल्यू पर अप्लाई हो रहा है और कहीं अप्लाई नहीं, ये जो माइनस है ना 50 पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए ना इनको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर हुई ये चीज, हेलो, यस सर, हाँ। जब हमको, ठीक है, जब हमको क्या पॉजिटिव डिक्लेयर करना हो तो हम प्लस का यूज करते हैं, और हम प्लस का यूज ना भी करें ना तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैथ्स में ना यदि हम लिख दें 50 तो हम इसका प्लस का ही 50 मानते हैं, यहाँ मतलब प्लस ना लगाएं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग टर्म में होता है। और यदि हमें क्या है नेगेटिव इंटीजर डिक्लेयर करना हो तो हम ना वैल्यू के आगे माइनस लगा देते, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैंने लिखा, आपको प्रोग्रामिंग टर्म में बता दे रहा हूँ, ठीक है, शेयर स्क्रीन, मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है, मैंने ले लिया ए इक्वल टू, मैंने ले लिया 5 ले लिया सेमी कॉल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ए की वैल्यू ना 1 से बढ़ाना चाहता हूं, तो 1 से बढ़ाना चाहता हूं उसके लिए या तो मैं ये लिखूंगा ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, सेमी कॉल, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू क्या है एक से बढ़ाना चाहता हूँ, सिंगल एक से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए इक्वल टू ए प्लस 1,
तो इसमें क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पर, और वन इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगी। इसको रन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने जो बताया समझ में आया आपको 6? यस सर। ठीक है, यदि हम ये ना करना चाहें, इसका एक शॉर्टकट करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस प्लस लगा देते हैं सेमी कॉलन। तो ये इंक्रीमेंट कर, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये करता क्या है, ए की वैल्यू ना 1 से बढ़ा देता है। तो देखो मैं इसको रन करूंगा तभी हमको 6 करके दे देगा। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्लियर है? डबल प्लस, yes, sir. ठीक है, पास डबल प्लस, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स होता है माइनस माइनस का, ठीक है। यदि मैंने यहां पर लिख दिया माइनस माइनस, ठीक है, तो ए की वैल्यू अभी क्या 5 है, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ, तो इसको यदि हम रन कर दें तो ए की वैल्यू क्या आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू, देखो किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, यदि हम इसको लिख दें ए इक्वल टू ए माइनस 1, इसकी इसी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो इसमें भी आपकी दो कैटेगरी होती है, एक आपकी होती है प्री इंक्रीमेंट, एक आपका होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में हम लगा देते हैं, देखो प्लस प्लस आगे लगा देते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में ना हम प्लस प्लस पीछे लगा देते हैं, ठीक है। सेम होता है इसमें, देखो प्री डिक्रीमेंट तो इसमें ना माइनस माइनस ए के पहले लगा देते हैं, और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, मतलब इसमें हम माइनस माइनस ना बाद में लगा देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और यहां पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, बी इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए सेम इक्वल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंट्रोल सी, और यहां पर मैं बी को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके अंदर लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कोई चीज, ठीक है। तो यहां पर मैं एक में लगा दिया, मैंने प्लस प्लस पहले लगा दिया, ठीक है, और फिर मैं यहाँ बी बी ले रहा हूँ, ठीक है। बी में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस बाद में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है क्या, यदि हम प्लस प्लस वैल्यू लगाते हैं, देखिए जहां भी हम लगाएं, ठीक है, यदि मैं प्लस प्लस ए के सामने वैल्यू लगा, ए के सामने लगाया प्लस प्लस, तो यहां पर क्या होता है, जो जहां पर भी इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, और यदि मैंने बाद में लगाया है तो इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और वैल्यू बाद में चेंज होती है, दिखा रहा हूं आपको, दोनों में लिटिल डिफरेंस है। एरर क्यों दे दिया, बी को मैंने डिक्लेयर नहीं किया यहां पर, ठीक है, कॉमा बी, उसको रन किया, ठीक है, ये जोड़ के दे दिया, एक मिनट इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं, प्रिंट एलन, ये क्या है, वही वहीं से हो रहा था, ठीक है। ये देखो मैंने ये क्या है, दोनों में 5 लिया था, एक में मैंने क्या किया, पहले प्लस लगाया, पहले प्लस लगाया तो इसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो गई, इसमें लगाया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसकी वैल्यू बाद में चेंज होती जहां पर मैंने ये लगाया। देखो अब मैं अगेन ना अब बी को प्रिंट करूंगा, मान के चलो मैं यहां फिर से अब बी को प्रिंट करूंगा, इसकी वैल्यू अब चेंज देखने को मिली, एक मिनट के साथ साथ क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, देखो पहले क्या है, ये ए की वैल्यू चेंज हो गई 6,
बी की बी में हमने प्लस प्लस लगा दिए थे मगर वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए फायर दे दिया। अब बी की वैल्यू ना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हुई तो अब बी की वैल्यू अब चेंज हुई 6। बस लिटिल डिफरेंस ये है कि यदि हम प्लस प्लस पहले लगा देते तो वैल्यू पहले चेंज होती इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले, और यदि हम बाद में लगा देते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पर जहां पर लिखा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाद होने के बाद वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है यह चीज? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। और ये चीज क्लियर भी ना हो तब भी प्रोग्रामिंग आपसे बनेगी, क्योंकि मैंने उसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताया है, यदि ऐसा नहीं करना तो इक्वल टू ए माइनस वन इस टाइप से। ठीक है, हाँ। तो यदि आपको प्री इंक्रीमेंट समझ में आया तो पोस्ट डिक्रीमेंट भी बनेगा, उसमें क्या माइनस माइनस कर देते हैं, सेम है सर। माइनस वाला एक बार और बता दीजिए। तो माइनस वाला बता दे रहा हूँ मैं, इसी को माइनस माइनस कर दे, माइनस माइनस ये क्या है ना, वैल्यू को एक से घटा देता है। अभी मैं यहाँ पर कमेंट लगा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको अभी क्या है डिस्कार्ड कर दूँ, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ दोनों में माइनस माइनस लगाया, दोनों में यहाँ लगाया, एक में पहले लगाया एक में बाद में लगाया। अब मैंने इसको रन किया, ये क्या एरर आ गई, पार्सिंग यहाँ पर एक ब्रेसेस कम हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या किया, यदि हम पहले लगा देते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो करंट जहां पर लिखा है उसको एग्जीक्यूट होने के पहले ही वैल्यू चेंज कर देता है, फिर बाद में प्रिंट करता है। तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू ना पहले ही चेंज कर दी, ए से क्या वन डिक्रीमेंट कर दी तो 4, और इसको प्रिंट कर दिया 4। और हम बाद में लगाते हैं, बाद में लगाते हैं तो करंट मतलब क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, बी की वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा और बाद में बी की वैल्यू चेंज करेगा। अब मैं देखूं, ठीक है, अब मैंने कहा कि बी की वैल्यू अब चेंज हो चुकी, बी को प्रिंट किया, अब बी की वैल्यू हमको चेंज देखने को मिलेगी। एक मिनट, ठीक है, ए बी की वैल्यू चेंज हो गई, आपको दिखा रहे हैं कैसे। ठीक है, ये इस वाले की वैल्यू है यहाँ के, इसकी ये इसकी है और ये ना इसकी है, क्लियर है। और फिर आप sir. आप क्या करना, खुद से रन करके देख लेना तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है, यस सर, हाँ। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर, मैं विंडो को चेंज कर रहा हूँ, अपडेट नहीं हो रही। ठीक है, एक आपका था लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपका नेगेशन परफॉर्म करता है, ये क्या रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, ये ट्रू है तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को क्या है, ट्रू कर देता है। हेलो, ए ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, इन्वर्ट कर देता है बूलियन वैल्यू। ठीक है,
तो कल मैंने ये प्रोग्राम आपको रन करवाया था बूलियन वैल्यू वाला, ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नेगेशन ऑपरेटर क्या करता है, ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी और इसको रन किया, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ट्रू दे रहा है और नीचे वाली वैल्यू फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ नेगेशन ऑपरेटर लगा दूं, नेगेशन ऑपरेटर होता क्या है, जो आपकी कीबोर्ड में प्लस है, जो आपकी कीबोर्ड में वन है, वन मगर कौन सा वन, जो आपके मतलब ये अल्फाबेट लिखे हैं ना कीवर्ड, उनके ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मतलब ये 9 0 रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो वन है, वन के साथ शिफ्ट शिफ्ट के साथ दबा दे तो ये नेगेशन आ जाता है, ठीक है, नेगेशन, ठीक है। तो ये ना वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, अब इसने फॉल्स दे दिया दोनों, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, फॉल्स दे दिया, यस। अब मैं नीचे वाले को इन्वर्ट करूंगा, देख लू तो नीचे वाले को ट्रू कर देगा, ठीक है, एक मिनट। तो ये क्या करता है, वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, ट्रू ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। और ये भी सिंगल वैल्यू पर अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, सिंगल पर, इसलिए उनको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है यूनरी ऑपरेटर आपका? यस सर। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारा, यूनरी ऑपरेटर हो गया, अब टाइम कितना बचा देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, जो अभी तक हमने देखो इक्वल्स टू का सिंबल लगाया, इक्वल्स टू का, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू फाइव, तो ये ना जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, बी की वैल्यू ना ए में असाइन कर देगा, और चाहे ये फाइव है, फाइव को ए में स्टोर कर देगा या असाइन कर देगा, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म में, प्रोग्रामिंग टर्म में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और अपन जो जनरल टर्म में बोलते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि भाई ये क्या करता है, बी को ए में स्टोर कर देता है, जो कि हम अभी तक करते आए। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज क्लियर हुई? असाइनमेंट ऑपरेटर इसको तो हमेशा से यूज कर रहे हैं ना, कितनी बार यूज कर लिया अभी, कल कितनी बार यूज किया वैल्यू में, आज भी यूज किया इक्वल टू टू या फाइव, जो भी किया, किया कि नहीं? यस सर। एक मिनट। अरे जो इक्वल टू ऑपरेटर लिया ये यहाँ पर, ये इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर है? ठीक है। तो अब इसमें ना कुछ क्या है, इसके इसमें क्या है कि ये ना अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशंस बना लेता है। कौन कॉम्बिनेशंस कहते हैं, कैसे, कुछ बता रहा हूं आपको। एक सपोज मैंने लिया अभी जो ही कर दिया ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 5, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दे रहा हूँ जो भी, ठीक है। तो यदि मैं चाहे लिख लूँ ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। और यदि मैं क्या कर दूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दूँ, ठीक है, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बता दूँ, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैन मेमोरी है, ठीक है, तो जो पहले वाला ऑपरेशन था, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ा, ए बी सी 10 वेरिएबल लेने पड़े, ठीक है। ए में गया मान के चलो हमारा 10 गया, बी में गया 5 गया, सी में दोनों का रिजल्ट गया 10 प्लस 5 कितना हुआ 15 गया, ठीक है। ये तो थी पहली चीज, ठीक है। और यदि देखो जब क्या है, अभी आप क्या लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि रैम की क्षमता क्या है, घटती है। रैम की क्षमता क्या घटती है, क्यों, क्योंकि आप रैम में ना कितनी मेमोरी ले रहे हो, सपोज ये इंट टाइप का है और 4 बाइट ले रहा है, तो 4 बाइट यहाँ पे ले रहे हो आप, 4 बाइट यहाँ पर ले रहे हो, 4 बाइट यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। और जब क्या है, जब आप प्रोग्रामर बन जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है,
तो आप क्या करते हो, देखो फिर क्या करते हो, आपने आप दो ही वेरिएबल लोगे ए बी, ठीक है, ए में क्या गया 10, बी में गया 5, और फिर हमने नेक्स्ट ऑपरेशन कर दिया ये a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या थी 10 और b की वैल्यू क्या है 5, तो हमने कर दिया a इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब के जब जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो तुरंत क्या होगा कि जो ये जो a का मेमोरी स्पेस है ना, इसमें दोनों का एडिशन रिजल्ट स्टोर हो जाएगा 15 आ जाएगा इसमें 15, हमको तीन वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है जो बात हम समझा रहे हैं? वो कहां जाएगी? वो चली जाएगी, अब ए में नई वैल्यू 15 आ जाएगी, ए में नई वैल्यू 15 आ जाएगी, हाँ वो ओल्ड वैल्यू चली जाती है। देखो हम क्या करते हैं, देखो अब जो आपने अच्छी चीज पूछी इसको करके भी दिखा दे रहा हूँ, चलो अब पूछ लिया तो करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने लिया int a इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है सेमी कोलन, ठीक है मैंने किया a इक्वल टू 5, ठीक है ना, देखना 5 सेमी कोलन, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट println कर दूं मैं कंट्रोल z सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं यदि a को प्रिंट कर दूं a और इसको रन किया, तो अच्छा आप बताओ a की वैल्यू 10 आएगी कि 5 आएगी? सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, बताओ कोई बताएगा, मैं रन करके दिखा रहा हूँ, देखो 5 आई। अब देखो देखो होता क्या है, हम बता रहे हैं क्लियर, देखो प्रोग्रामिंग का फंडा है लॉजिकल लेवल, कटने वाली कोई चीज नहीं है, ये हमारी रैम होती है। अब एक वेरिएबल हमने लिया ए, तो ए में पहले गया, देखो जब देखो क्या जब कम जब प्रोग्राम रन होता है तो देखो हमारा कंट्रोल आता है यहाँ पर, तो इसने क्या कर दिया ए इक्वल टू 10, ये बोला कि भाई ए इक्वल टू 10 कर दो, तो ए में 10 कर दिया, फिर हमारा कंट्रोल अगली बार आया लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता हमारा प्रोग्राम, ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल आया यहाँ पर, इसने बोला ए इक्वल टू 5 कर दो, तो ए की जो यहाँ मैं इसको इरेज करके यहाँ 5 कर देगा ये, और हमने प्रिंट किया तो ए को प्रिंट कर दिया इसने, क्लियर है? यस सर, हाँ यस सर, ठीक है, अब वो चीज भी करके बता दे रहा हूं मैं आपको जो अभी बताई थी आपको, जिससे और क्लियर हो जाएगा। इंट दो वेरिएबल लिए मैंने, चाहे आप वैसे ले लें चाहे ऐसे ले लें, बात एक ही है, ठीक है मैं ऐसे ले ले रहा हूँ 5 सेमी कोलन, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर दूं a इक्वल टू a प्लस बी, तो ये ना दोनों का एडिशन दे देगा, आप देखना अब a में दोनों की वैल्यू चली जाएगी, एक मिनट एरर क्या दी थी, यहाँ सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने, इसको रन किया, ठीक है ये 15 दे दिया, 15 दे दिया, तो ये कर क्या रहा है आपको दिखा रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग हम इसे लॉजिकली सीखो तो बहुत मजा आता है, ठीक है ये हमारी रैम है a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू यहाँ b एक प्लेस है 5, फिर अगेन ये कंट्रोल हमारा यहाँ पर गया, इसने बोल दिया a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है तो a इक्वल टू a प्लस 5 b मतलब ठीक है सॉरी b, ठीक है तो a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5, दोनों का रिजल्ट आया 15, 15 को कहाँ स्टोर कर दो a में, तो a में ना वे 15 स्टोर कर दिया, इसलिए a को प्रिंट कर दिया 15, ये चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट बताया इनने,
देखो जो हमें बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है? अब इनने देखो इसका भी एक शॉर्टकट होता है इसका, ठीक है? ए प्लस इक्वल टू बी, तो ये क्या करता है ना, ए में ना बी को प्लस करके, ए में बी को प्लस करके और वो जो वैल्यू आएगी ए में स्टोर कर देगा। इसको मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, ए प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी सेमी कॉलन। तो मैंने इसको रन किया तो इसने 15 दे दिया। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है ना ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी बी है, ठीक है? yes. अब लिखने का सबसे सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? तो इसका ना कॉम्बिनेशन हम असाइनमेंट के साथ यूज कर सकते हैं चाहे तो। ये इसलिए बताया कि देखो जब आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन जाते तो आपको कम से कम लिखना पड़ा, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ हाँ बस ये चीज है, नहीं तो आप ऐसे भी करो तो आपको प्रोग्रामिंग चलेगा। इतने डिटेल में बता रहा हूँ, इतने डिटेल में आपको कोई बताया नहीं होगा अभी यदि आपने जावा पढ़ी हुई कहीं। ठीक है, तो देखो मैंने प्लस के साथ बताया तो वही कॉम्बिनेशंस ना, देखो मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ आपका भी टास्क है, ठीक है? तो वही के वही सारे कॉम्बिनेशंस मैंने क्या है सिर्फ बताया आपको प्लस के साथ, तो वही कॉम्बिनेशंस आपके क्या है माइनस के साथ भी बनते हैं, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ बनते, डिवीजन के साथ बनते और मॉडुलस के साथ बनते। बट ये आपका होमवर्क है कि आप करेंगे, ठीक है? और करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके सर। ठीक है, यस सर। मैं तो सारा बता दूंगा बट देखो कुछ आप भी करोगे तब तो बनेंगे ना आगे, ठीक है? यस सर। सर इनमें ए और बी की वैल्यू क्या रखनी है? जो आपको रखना हो। यस सर। ये समय देखो रखने वाला कोई काम नहीं है, जो आपको मन से लगे। हाँ जी। और मैंने इसके पहले बताया भी है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप की रेंज क्या होती है, तो जो रेंज जो आपके मन में फिट बैठे या जो आपके मन से नंबर आ रहा है। मैं यहाँ पर एंटर ले रहा हूँ, आप चाहें तो डबल ले सकते हैं, सॉरी ये लॉन्ग ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग का फंडा यही है, जितना करोगे उतना बनेगी आपसे, ठीक है? और बनने लगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। यस सर।